म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल का मतलब दो, दो। सेल्फ का मतलब है अकेला, अकेली कॉइल, सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल्स। अब होगा क्या, म्यूचुअल इंडक्शन में एक के बदले में दो कॉइल्स हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। हम करंट पहली कॉइल का चेंज करते हैं, सेकेंड कॉइल आराम से पड़ी हुई है, कुछ नहीं करते उसका। जब फर्स्ट कॉइल का करंट चेंज करते हैं तो फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है, बैठे बैठे सेकेंड कॉइल का फ्लक्स भी अपने आप चेंज हो जाता है क्योंकि काफ़ी क्लोज है। तो इसमें करंट पैदा हो जाता है अपने आप, इंड्यूस करंट। तो करंट चेंज किस में हुआ था, फर्स्ट में, वो मैंने किया। इंड्यूस करंट किस में पैदा हो गया, नेबरिंग कॉइल में, उसने कुछ किया ही नहीं, बैठे बैठे करंट पैदा हो गया। तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में एक कॉइल का जब करंट चेंज होगा उसी में जब इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी वो सेल्फ इंडक्शन है, और म्यूचुअल इंडक्शन में एक कॉइल में जब करंट चेंज करोगे इसके पड़ोस की कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। कह रहे वन कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होना किसकी वजह से, चेंज ऑफ करंट फर्स्ट कॉइल में होना। ठीक है यहां तक। अब कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब जिसमें कोई करंट हमने नहीं दिया था, प्राइमरी का मतलब जिसमें करंट हमने दिया था, चेंज किया था, चेंज वर्ड जरूरी है। तो सेकेंडरी को मैंने रेड के साथ और प्राइमरी को मैंने अलग कलर के साथ नोट किया है, ब्लू के साथ। तो मैंने ये माना कि जो सेकेंडरी कॉयल है जिसमें जिसमें कुछ नहीं था, फ्लक्स उसका कैलकुलेट करें, वो फ्लक्स डिपेंडेंट है करंट इन प्राइमरी कॉइल, क्योंकि प्राइमरी में जितना करंट होगा उतना ही प्राइमरी का फ्लक्स चेंज होगा, उतना ही सेकेंडरी का फ्लक्स भी चेंज होगा। तो प्राइमरी में करंट चेंज करेंगे लेकिन फ्लक्स पड़ोस की कॉइल का चेंज होगा। तो प्राइमरी का जो करंट अगर आए है, यानी कि प्राइमरी का करंट अगर आए है तो फ्लक्स किसका है, सेकेंडरी का। इनके बीच में कॉन्स्टेंट आएगा एम, एम का मतलब है कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर कैपिटल एम डिपेंड करता है। करंट आपने फर्स्ट कॉइल का चेंज किया, फ्लक्स आपने सेकेंड कॉइल का देखा, तो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों कॉइल्स पे, कैसे पड़े हुए हैं, एरिया, लेंथ, बहुत फैक्टर्स हैं। तो वो सारे फैक्टर का पैकेज किस में डाल दिया, एम में। क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं एम, वैसे ही बताऊंगा जैसे एल कैलकुलेट करके बताया था। तो अभी के लिए इसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और ईएमएफ जो इंड्यूस होगी पड़ोस की कॉइल में सेकेंडरी में, वो क्या होगी, माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई क्या होगा, एम आई, एम बाहर आ गया। तो ईएमएफ का फॉर्मूला नोट करें बुक में, माइनस एम डी आई बाई डी टी। पर ये याद रहे कि इसके अंदर ई ईएमएफ किस किसका जनरेट हुआ, सेकेंडरी का, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किसका है, प्राइमरी का। प्राइमरी का करंट किसमें चेंज हो रहा है, प्राइमरी का। ईएमएफ किसमें पैदा हो रही है, सेकेंडरी में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अब हम क्या निकालेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स।